हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चाइना को मिला करारा जवाब। सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला है और उन्होंने जो है 59 चाइनीज ऐपों को बंद कर दिया, टिकटॉक समेत। जी हाँ दोस्तों, आपका सबसे जो है चहिता ऐप टिकटॉक समेत 59 ऐपों को बंद कर दिया गया है। चाइनीज ऐप थे ये, और इन तमाम चीज़ों के लिए काफ़ी दिनों से जो है संघर्ष चल रहा था सोशल मीडिया पे और जमीनी लेवल पे कि चीन के सामान का बहिष्कार होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गलवान घाटी में हुए हिंसा के वजह से जी हाँ दोस्तों, भारत के 22 जवान शहीद हो गए, जिसकी वजह से देश के तमाम हिस्सों में चाइनीज चीज़ों को बैन करने के लिए चर्चाएं तेज हो गई थी। और आज फाइनली जी हाँ दोस्तों, सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही बड़ा फैसला लिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना जाने हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बता दूं आपको सरकार के द्वारा सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर लगाया बैन। जी हाँ दोस्तों, ये आज की न्यूज है, अभी जस्ट जो है सरकार ने जो ये लॉन्च किया है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार की और केंद्र सरकार से अपील की कि इन तमाम जो है ऐपों को बंद किया जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है पेपर में भी आ चुका है और वेबसाइट पर भी दे दिया गया है। भारत चीन तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर रोक लगाने का फैसला लिया है। बैन किए गए ऐप में मशहूर टिकटॉक ऐप भी शामिल है। इसके अलावा यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर जैसे और भी बहुत फेमस ऐप इसमें शामिल है। इससे पहले भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार करके केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए या फिर लोगों को कहा जाए कि उनको तुरंत अपने मोबाइल से हटा दे। इसके पीछे दलील ये देगी कि चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। तो दोस्तों, ये अब तक की सबसे बड़ी और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सरकार की कि चाइनीज को दिया एक करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने हमारे भारत के 20 जवानों को शहादत दी और जिसकी वजह से जी हाँ दोस्तों, देश में आक्रोश सा लगा था कि चाइनीज को उसका करारा जवाब दिया जाना चाहिए। चाइना का सबसे जो मेन बिजनेस था यानी कि टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक पे आप जानते हैं बिलियन से ज्यादा लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं, इतने वीडियोस आते हैं दिन प्रतिदिन और भारत में इसका सबसे ज्यादा प्रचलन होता है दोस्तों, जहां पे लोग कहते हैं कि $1 बिलियन से ज्यादा का कमाई जो है सिर्फ टिकटॉक से जो है चाइना को होता है, वो भी भारत जैसे देश से। तो भारत ने आज जो है फाइनली बता दिया कि चाइना को हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब उसका करारा जवाब दिया जाएगा। चाइनीज यहां पर लद्दाख बॉर्डर पर लगातार हमले करते हुए भारत के 18 किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया और उस पर ऐसे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए 59 ऐप को जो है बैन करके चीन की कमर तोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोग सरकार के इस फैसले से सहमत हैं तो वीडियो के नीचे अपना कमेंट करके जय हिंद लिखना जरूर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके चेहरे पर एक खुशी की जरूर लहर दौड़ी होगी क्योंकि चाइना को आजकल जो है सरकार ने फाइनली जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, एक करारा जवाब दिया कि उसकी जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई क्योंकि 59 ऐप को एक साथ बैन करना चाइना को हजम नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।